पंकज जी धन्यवाद। प्रमोद जी मेरे साथ सामने बैठे हमारे पत्रकार साथी कैमरामैन आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपको मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आप अपना समय निकालकर यहां पर हमारे मीडिया के इस दफ्तर में यहां पर आए। आपको आपके माध्यम से राजस्थान तक ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है हमारे, जो हम कांग्रेस की एक वरिष्ठ जो राजनेता है जो राजस्थान आ रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं। प्रियंका वाड्रा जी आज राजस्थान आ रही हैं और ये ऐसी हस्ती हैं जो एक मुख्य परिवार से हैं कांग्रेस में। ये परिवार ही चलाता है उस पार्टी को, ये परिवार जो कहता है वो इस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी पूरी राजनीति उसी परिवार से चलती है, दिशा निर्देश उसी परिवार से आते हैं और ये जब नारा देती हैं, लड़की मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नारा है, लेकिन फिर उसके पीछे इनका खोखलापन दिखाई देता है। और मैंने तो एक नई चीज देखी कि महिला सुरक्षा के अंदर गिद्ध राजनीति हो रही है। ये प्रियंका वाड्रा जी महिला सुरक्षा को लेकर गिद्ध राजनीति का जो उदाहरण इन्होंने पूरे देश में दिया, बड़ी चौकस नजरों से कहीं भी कोई इश्यू होता है तो तुरंत वहां पहुंच के पूरा का पूरा मीडिया को वहां इकट्ठा करने का काम करती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी। क्या राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान की पात्र नहीं है क्या? ये एक दो नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में अगर दुष्कर्म हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। और जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आपकी इतनी तीखी नजरें राजस्थान को कैसे छोड़ देती हैं। 35,000 महिलाएं और एक के पास भी नहीं गई, कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर हो सकता है, और वो भी कोई साधारण विषय नहीं बल्कि महिला का मान सम्मान, महिला दुष्कर्म, महिला का संरक्षण सुरक्षा, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अनेकों कदम उठाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कदम उठाते हैं हर तरह से, चाहे कानूनों के अंदर बदलाव हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की बात हो, चाहे सामाजिक व्यवहार के अंदर बदलाव की बात हो, हर तरह से वो जो कदम उठाते हैं यहां पे नारा लगता है। प्रियंका वाड्रा जी नारा लगाती हैं लेकिन केवल वहीं तक ही बात सिमट के रह जाती है, उनकी गिद्ध राजनीति राजस्थान में फेल हो जाती है, उनकी तीखी नजरें यहां पर पूरी की पूरी फेल हो जाती है। आज जो प्रियंका वाड्रा जी आ रही है राजस्थान में, राजस्थान की जनता पूछना चाहती है कि 2,00,000 घटनाएं हुई हैं, 2,00,000 अपराध हुए हैं महिलाओं के ऊपर, तो इनका जो राजनीतिक पर्यटन डिवीजन है वो 2,00,000 अपराधों को कैसे छोड़ गया? ये अलग अलग जगह जाती हैं, तुरंत पहुंचती हैं। और मैं राजनीतिक पर्यटन डिवीजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके व्यवहार के अंदर बदलाव हो जाता है जहां राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो जरूर जाएं। तो राजनीतिक पर्यटन डिवीजन राजस्थान को कैसे भूल गया जहां 2,00,000 महिला अपराध रजिस्टर्ड हैं। और ये रजिस्ट्री हमने नहीं करी, ये कांग्रेस की सरकार ने ही करी। 7,700 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई हैं राजस्थान के अंदर, किसी एक के साथ भी अगर दुख साझा करा हो तो कृपा
हमें बतलाएं, हम भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि एक बड़ा परिवार जो पूरा का पूरा पार्टी चलाता है और कई दशकों तक उन्होंने देश को चलाया, उस परिवार की भविष्य की जो व्यक्ति है, 7,700 कम नंबर नहीं है, 7,700 में से एक, ज्यादा भी नहीं चाहिए, हम इतने महत्वाकांक्षी भी नहीं है, ज्यादा नहीं चाहिए, एक किसी एक परिवार के साथ 5 साल के अंदर उनका दुख साझा किया हो तो हमें जरूर बताइए। इनके भाई हैं, थोड़ा उनसे भी पूछ लीजिए, भैया जो 10 दिन का आपने वादा करा था वो गिनती अभी 1700 दिन तक पहुंच गई है, ये कैसे भैया हैं और ये कैसी बहन है जो अपने भैया को सही रास्ते पे नहीं ला सकती? 7 दिन का, 10 दिन का वादा करके जो गए, आज 1700 दिन हो गए हैं, वो जो किसान लोन माफी थी वो उसका इंतजार अभी तक चल रहा है, 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, 350 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में वो किसान को किसान मानती ही नहीं है। ये कहते हैं आंकड़ा 350 नहीं है, आंकड़ा 19 है या 20 है, ऐसा कुछ बताते हैं आंकड़ा। पूछा कि क्यों साहब, बोलते खेत में काम जरूर करते हैं लेकिन जमीन उनकी नहीं है तो किसान नहीं है। ये मेरे को परिभाषा तो बड़ी जबरदस्त लगी कि किसान खेत में काम कर रहा है लेकिन जमीन उसकी नहीं है, इसको इसलिए हम उसको किसान नहीं मानते। उसने जो आत्महत्या करी वो किसान में गिनती नहीं होगी, वो एक लेबर फोर्स में गिनती हो, मतलब लेबर फोर्स की भी आत्महत्या इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब मैं राजस्थान की जनता की तरफ से कुछ नाम आपको बताता हूं, कन्हैया लाल पेली, हरीश जाटव, योगेश जाटव, योगेंद्र जाटव, कृष्णा बाल्मीकि, रतनलाल सोनी, आदर्श तापाड़िया, चिरंजी लाल सोनी, इनकी जिन जेहादिक मानसिकता के लोगों ने हत्या करी है उसके बारे में अपने श्रीमुख से कुछ बोला है क्या अभी तक? ये वो वर्ग है जो कांग्रेस अपना वोट बैंक आधिकारिक रूप से समझता आ रहा है, काम नहीं करेंगे लेकिन वोट बैंक मान के चलेंगे, आज नहीं दशकों से, मतलब कैप्चर कर लिया है, बंदी बना लिया है, काम कुछ नहीं करेंगे। ये सारे के सारे नाम जो मैंने गिनाए हैं ये आप ही से आए हैं, आपके अखबार में छपे हैं, एक शब्द किसी के लिए बोला हो अपने श्रीमुख से राजस्थान की जनता को कृपया अवगत करा दे, जानकारी दे दे। हमारा 7वां सवाल वहीं आता है, हमने सुना है कि ये खबरें खूब पढ़ती है, खबरों पे बहुत नजर रहती है, लेकिन 19,422 किसानों की जो जमीन नीलामी हुई है ये कौन से कोने में थी अखबार के जहां आपकी नजर नहीं पड़ी, या इसलिए कि वहां राजस्थान लिखा हुआ था? उससे तो बचना है, भागना है शायद, लेकिन हम क्यों कहें, हम तो जानना चाहते हैं। आपसे प्रियंका वाड्रा जी से 7वां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि 19,422 जो किसानों की जमीन नीलाम हुई है, और खास तौर से इसलिए क्योंकि आपके भैया ने, प्रियंका वाड्रा जी के भैया ने खास तौर से 10 दिन बताया था और ये जो नीलामी हुई है उसके ऊपर कृपा थोड़ी जानकारी जनता को दे दें, और एक बार किसानों से माफी मांग ली, महिलाओं से माफी मांग ली। चुनाव है, चुनाव में सब कुछ करना पड़ता है जो जरूरी है, 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, करीब 2,00,000 महिला अपराध अभी तक रजिस्टर्ड है, 7,700 हत्याएं हुई हैं, एक बार किसी के घर गई हो तो बतला दीजिए, नहीं तो एक बार माफी मांग लीजिए। 19,422 किसानों की जमीन कुर्क हुई है,
भाई बहन ने मिलकर 10 दिन का वादा करा था, आज 1700 दिन हो गए। थोड़ी सी माफी वहां मांग लीजिए, नहीं तो सफाई दे दीजिए। और यहां किसान और महिलाओं तक अगर सीमित रह जाता तो फिर भी हम मानते कि दो ही इशू हैं, लेकिन जो 70 लाख युवा है राजस्थान के, उनका परिवार का पैसा बर्बाद हुआ, 19 बार पेपर रद्द हुआ, लीक हुआ, पैसा आ जाएगा वापस मान लीजिए, परिवार भी एक बार संभल जाएगा मान लीजिए, मुझे ये बताइए जिसके जीवन से 2 या 3 साल खत्म हो गए परीक्षाओं के और अब उन्होंने दूसरा कोई व्यवसाय शुरू कर दिया या काम शुरू कर दिया या उनकी उम्र ऐसी हो गई कि अब वो सरकारी नौकरी में नहीं आ सकते, उनका जीवन ने मोड़ ही कुछ अलग ले लिया, उन 70 लाख नौजवानों का आप समय कैसे लौटाएंगे, वो समय आप कैसे लौटाएंगे। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी आके सब परीक्षाओं को ठीक कर देगी, लेकिन उन 70 लाख नौजवानों का आप समय कैसे लौटाएंगे, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। और खास तौर से जो आरपीएससी है, जो प्रमाणिक संस्था है, उसके अंदर राजनीतिक नियुक्ति जो हुई है, जैसे बाबूलाल कटारा जी और अन्य लोग जो पूरी की पूरी तरह से लिप्त हैं लाखों रुपए लेने में, उस अपराध की जिम्मेदारी कौन लेगा? पेपर रद्द करे, पेपर लीक करे, इंटरनेट भी बंद रख के रखा, उसके ऊपर से पेपर लीक कराए, और फिर आपके जो अपॉइंटीज हैं पॉलिटिकल अपॉइंटीज, वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज खुद पैसा ले रहे हैं। हम जानना चाहते हैं ये चेन कहां तक जा रही है भाई। आखिरकार अगर आप ही ने अपॉइंट करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा, तो फुल स्टॉप वहां तो नहीं हो रहा। अगर वहां पे फुल स्टॉप नहीं हो रहा तो ये जो पाइपलाइन है आरपीएससी से, ये पाइपलाइन किस किस के घर पे जा रही है, ये जरा राजस्थान की जनता को बतला दीजिए। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त चीज हो रही है, कांग्रेस सरकार में आते ही इनके परिवार वाले बड़े बुद्धिमान हो गए। यही वो है जो इम्तिहान इंटरव्यू ऐसा पास करते हैं जैसा टॉपर भी नहीं कर सकता। रिटर्न में नंबर कम है, ये इत्तिफाक आप देखिए, रिटर्न में नंबर कम है और एक नहीं चार चार पांच पांच हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे माशाल्लाह है, क्या जबरदस्त है कि हर तरह से उत्तीर्ण है। ये कौन सी एकेडमी है और इस एकेडमी के प्रोफेसर क्या अशोक गहलोत साहब हैं? ये बड़ी खास एक एकेडमी है जिसके अंदर बहुत विशेष ट्रेनिंग मिलती है, जहां एक ही परिवार के लोग रिटर्न में नंबर कम हो उसके बावजूद भी इंटरव्यू में नंबर बहुत शानदार आते हैं, इस एकेडमी का हमें पता चाहिए और हम जानना चाहते हैं उसके प्रोफेसर के अशोक गहलोत साहब हैं, ये जरा राजस्थान की जनता को बतला दीजिए। बेरोजगार भी कांग्रेस की तरफ और प्रियंका वाड्रा जी की तरफ देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी भत्ते क्या आपने घोषणा करी थी और फिर चुनाव जीतने के बाद उसके अंदर अलग अलग शर्तें डाल दी थी, आप कृपया राजस्थान को बता दीजिए कि अभी तक पिछले 5 साल के अंदर कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, एक संख्या बता दीजिए जो प्रमाणिक और सही हो। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं की सरकार के ऊपर आरोप उठाते हैं, बार बार वो आरोप लगाते हैं इनकी सरकार पर, इनके गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं उन्हीं के सचिवालय के अंदर सरकार की अलमारियों के अंदर फाइलों की जगह सोना और पैसा मिलता है। राजस्थान को इस लूट से प्रियंका वाड्रा जी कैसे बचाएंगी, उनकी अगले 5 साल की क्या योजना है कि वो गृह मंत्री, अलग अलग मंत्री, अलग अलग विधायक
जो इन्हीं की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और सचिवालय के अंदर सोना मिल रहा है, उससे राजस्थान की जनता को कैसे बचाएंगे? ये बार बार सवाई माधोपुर जाती है, पिछली बार दौसा आई थी, दौसा से भी सवाई माधोपुर गई, ये राजस्थान में कहीं पे भी जाती है, सवाई माधोपुर जब जरूर जाती है। हम ये जानना चाहते हैं, सचिवालय की अलमारी तो पकड़ी गई, ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? कौन कौन लोग बार बार सवाई माधोपुर जा रहे हैं, वहां किस चीज का संरक्षण करना है, क्या चीज आप बार 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 जाके देखना चाहते हो कि सुरक्षित है, ये सवाई माधोपुर में क्या छुपाया हुआ है? चुनाव से पहले ये जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ये 12 सवाल हैं जो प्रियंका वाड्रा जी से हमने पूछे हैं। चुनाव सर पर है, राजस्थान के जो हाल बेहाल कांग्रेस ने करे हैं, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, अलगाववाद हो, लूट हो, झूठ हो, इन सब से जुड़े हुए हमारे ये 12 सवाल हैं। और ऐसी बात इसमें हमने करी है जो बात हमने शुरू नहीं करी, प्रियंका जी ने ही शुरू करी थी, तो उनकी तीखी नजर, उनके तेज बोल, हम जानना चाहते हैं कि वो स्पष्टीकरण दे दें ताकि राजस्थान की जनता संतुष्ट हो जाए। आप सबको धन्यवाद।